ਨਾਲ ਟੀਮ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਗਾਂ ਖੋਲੋ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਵਲੀਮੇ ਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤਕੀਆ ਤਕੀਆ ਪੁਕਾਰੂ ਮੈਂ ਬਨ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਤਕੀਆ ਬਸਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ ਉਨਕੇ ਆਂਖ ਮੇਂ ਕੀਮਤੀ ਲੈਂਸ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਂਖ ਮੇਂ ਜਾਲਾ ਹੈ ਜਾਣੇ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ अभी भी ये पास आगे कहते थे कट मेरा रुपया यहीं से आप मेरी अब्बा की चादर लेके चल गए तो वापस ही दिखे अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जान रैम्बो और आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल। और मेरा जो ये शो है इसका नाम है गेस्ट इन हाउस, जो आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और इस वक्त मैं हूं, आपने जैसे पीछे नाम देखा होगा हबीबी, तो ये घर है अंजुम हबीबी साहब का, जो हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, सीनियर हैं और मोस्ट सीनियर हैं। मैंने पहले शुरू इन्हीं के साथ पहले अपना काम किया था, स्टार्ट किया था थिएटर से और टीवी पे भी, और अंदर चल के मैं सारी बात बताऊँगा। तो जिक्र हो रहा था कि गेस्ट हाउस में जितने लोग काम करते थे वो कहाँ हैं, उनसे मिलवाएं। तो उसी सिलसिले में अंजुम हबीबी साहब ने तकरीबन 52 एपिसोड में से 30 या 35 में काम किया है, तो आज मैं स्पेशल इनसे मिलने आया हूँ और आपकी मुलाकात करवाने आया हूँ। तो आइए इनसे मिलते हैं, अंजुम हबीबी साहब से। मैं उनको आवाज़ चली गई होगी कि ये किसकी आवाज़ है, बेल बज गई होगी मेरा ख्याल है। और यार कोरोना ही तो माफ कर ही छोड़ो, कोरोना और पैसे पैसे फैले हैं, माफ कर जरा आनंद है। ओ हेलो हबीबी साहब, यार है की और की कह रहे हो यार, कोरोना जो माफ की कोरोना खा रहे नहीं नहीं बाबा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। यार कोई इतला कर छोड़ना बंदा यार, नहीं मैं है जी छापा मारना है, छोड़ भाई यार। और मैं कल्ला नहीं आया, माड़ी टीम माड़े नाल आई, तको गड्डी जो बंदे पे लेने तो प्रजाया से नहीं आई। हां जी वो भी आई, नाल टीम भी आई है ते अपना देगा खोलो। क्यों तो वली में दे नहीं रोटी नहीं खानी केड़ी, मतलब मैं मेरी बेटी जग मेरे बच्चे के लिए रोटी, आपके बेटे की शादी की। हां ना जी जान आ जाओ, आइए जी अंदर बल्कि। और मैं चलो चलो मैं भाभी लेके आओ, लेके आओ, आ जाओ, आइए जी आइए आइए। अंजुम बीबी साहब आपको मजा आ गया होगा, अभी इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे बात करवाते हैं जी। चलो 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 आ जी, आगे 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 भाभी आ रही हैं जी। बहुत शुक्रिया, तेरा बड़ा शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। और बड़ा मज़ेदार माशाल्लाह, ये बड़ा रश लगा हुआ है, बाहर से बाहर से ये कुछ भी नहीं, कभी अंदर आके देखो भाई। अच्छा माशाल्लाह, ये तेरे कुछ भी नहीं जी, वादे के मुताबिक मैं पहुंच गया हूं जी अंजुम साहब के घर, और बड़ी गपशप होगी। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, पहला स्टेज ड्रामा मैंने इनके साथ किया, पहला टीवी का ड्रामा पुठवारी जुबान में इनके साथ किया, गेस्ट हाउस फिर इनके साथ किया, फिल्म में आप मेरे साथ क्यों नहीं थे पहली फिल्म में? यार मुझे जब बताओ ऐसे ऐसा ही है, मुझे नहीं याद। आपको नहीं याद होगा ना, पहला ड्रामा, पहला दो दुनी चार और दो दुनी छः, दो दुनी छः बिल्कुल, महाराजा होटल में, महाराजा होटल में ठीक हो गया, उसमें मैं एक एंट्री की थी मैंने, और आप उसमें एसएसपी साहब का रोल कर रहे थे, सख्त वाला, और वो मेरी जिंदगी का वो ड्रामा है जिससे मैंने बड़ा कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है मैंने। टीवी का ड्रामा कौन सा था? फिर उसी ड्रामे में एक एंट्री से मैं बशीरे के रोल में आया, जो मेन था आपके साथ हवलदार का, आप एसएसपी, ठीक हो गया। उसके बाद एक पटवारी ड्रामा हमने किया था, अच्छा। जिसमें मैं डॉक्टर बन के गाँव आता हूँ, बुर्द बरामद, बिल्कुल ऐसे शायद ये, उसमें आप ट्रैक्टर चलाने वाले होते हैं, एक ही लड़की के पीछे हम दोनों होते हैं। ओके, इतना फर्क था वैसे हमारी उम्रों में? नहीं, आपके बाल काले थे, आप हमें इतना मसला नहीं है, अब आपने बाल छोड़ दिए और मैंने काले किए हुए हैं। नुसरत थी हमारे साथ, नुसरत एक लड़की आई थी बहुत अच्छी आर्टिस्ट, और ट्रैक्टर से याद है बिल्कुल, और अचानक गायब हो गई थी, और उस वक्त आपको फोटोग्राफी का भी बड़ा शौक था, सरसों के फूलों की तस्वीरें आप बना रहे थे। फिर हम गेस्ट हाउस किया, फिर मैं चला गया लॉलीवुड इंडस्ट्री लाहौर, क्या कहने। और उसके बाद आप भी हाथ नहीं दिया, पकड़ाई नहीं दिया माशाल्लाह, टीवी सामने तुसी फिल्म सामने टीवी, और टीवी फिर जब प्राइवेट आया आपने ऐसा सामा कि बंद टीवी ची तुसी आ रहे होंदे हो, बंद टीवी चो आवाज आंदी है ओए खोल रैम्बो मैं आ रहा, मेरा साह घुट रहा खोल दो खोल दो।
अच्छा जी खवातीन और हज़रात, जैसा कि आपसे कहा था कि जी गेस्ट हाउस की सारी टीम से मैं आपको मिलवाऊंगा, तो उसी सिलसिले में आज अंजुम बीबी साहब के साथ हम हैं और गेस्ट हाउस में हमने किए थे 52 एपिसोड जी बेशक, जिसमें से तकरीबन मेरे हिसाब से ना आप 30 से 35 एपिसोड में थे, सेमी स्टॉक करेक्टर जो गिने नहीं हुए, मुख्तलिफ गेटअप करके आते थे। एक तो थे हमारे नवीद साहब जो रिसेप्शन, बाऊ नवीद नासिर, एक रिसेप्शनिस्ट थी वो हमारी चेंज होती रही, वो चेंज ठीक है, वो तीन थी। उसके बाद टिप थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनका भी आज जिक्र होगा, बहुत ही आते हैं। और मैं था और सरवत आपा, सरवत अतीक साहब और खालिद हफीज साहब, अल्लाह उन्हें सेहत कामिल, वो उनका कुछ पता नहीं है क्या, वो इस्लामाबाद में है किसी जगह पर, उनका बेटा इधर आज जो हमारा टेलीविजन नेटवर्क है उसमें काम करता है, लेकिन वो किसी से मिलती जुलती नहीं है, क्यों बचा क्या हुई है? मेरा ख्याल है वही पोजीशन लग रही है जो मरहूमा रूही बानो के साथ थी, डिप्रेशन का शिकार है वो, एक चमक देखी होती है ना तो कई लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते अगर इस तरह का कोई सदमा आ जाए। बहुत ज़्यादा मेरा अपना दिल कर रहा था, मुझे याद है कि गेस्ट हाउस के कुछ 2 या 3 साल के बाद एक दफ़ा वो आई थी, मैं थिएटर कर रहा था, बैक स्टेज पे हमारी मुलाकात हुई थी 5-10 मिनट की, बड़ी अच्छी। उसके बाद ये शायद 95 की बात हो या 96 की। अच्छा जी, आपने तकरीबन किए थे उसमें 3 से 35 गेटअप, 35 ठीक हो, गेटअप भी किए थे, गेटअप तो सारे मुख्तलिफ सादे नहीं आए आप, नहीं एक आधा प्ले ऐसा भी था जो सोलो मेरे पे कहानी थी, वो था गालबन जिन पे तकिया था, तकिया तकिया पुकारू मैं बन में, प्यारा तकिया बसा मेरे बन में, वो जिसमें आप तकिया और चादर लेके, आप अपनी चादर और तकिया लेके गेस्ट हाउस में, उसके अंदर वो पैसे कहीं से मिल जाते हैं गेस्ट हाउस में से, वो अब तकिए में छुपा छुपा निकलना चाह रहे हो। अच्छा, देखने वालों को मैं ये बताऊंगा, प्रॉब्लम ये है कि गेस्ट हाउस का कोई क्लिप हम चला नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब के राइट्स होते हैं, वरना हम आपको ज़रूर दिखाते तस्वीरें, मैं कोशिश करूँगा अगर आप मुझे कुछ तस्वीरें दे दें जी, मैं तो मैं साथ साथ शेयर करते जाएंगे जो जो बातें होंगी, तो कुछ तो मुझे मिल जाएंगी नेट से भी, बड़ी यादें। आपको लगता है कि वो काम जो आजकल आप दिन रात करते हैं काम, उस वक्त था हम एक ड्रामा करते थे, साल में 1 या 2 ड्रामे होते थे, हम वही करते थे, वो काम और आजकल का काम कि एक दिन में आप 3 ड्रामों की शूटिंग करते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क। अच्छा, उसमें एनर्जी ज़्यादा थी। अच्छा, एक अपने जिस्मानी एनर्जी भी ज़्यादा थी, फिर टीवी में पेमेंट फौरी तौर पे हो जाती थी जो कि आर्टिस्ट के लिए सही बात है, ऑक्सीजन होती थी, और ऐसे काम किया ड्यूटी रूम से चेक मिला घर लेकर निकल गए थे, ठीक है, तो फिर समझाने वाले बताने वाले बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े लोग, जबकि उसके बिल्कुल ऑल्टरनेट, अब देखें तो लोग सेट के ऊपर पकड़ा रहे होते हैं पेपर स्क्रिप्ट, हमारा 3 दिन रीडिंग होती थी बिल्कुल रिहर्सल होती थी पूरे वीक में, हमने एक ड्रामा तैयार करना होता था जिसको कहते थे गेस्ट हाउस नंबर किस नंबर 3 दिन हम आके डायरेक्टर साहब के कमरे में बैठ के अपना अपना स्क्रिप्ट लेके रीड करते थे, अपनी अपनी लाइनें, 4th दिन हम सेट पे आते थे और पहले 3-4 ड्राई रिहर्सल होती थी, फिर कैमरा रिहर्सल होती थी, फिर जाके टेक होती थी। तो अब कहाँ उनकी वफा, यादें वफा बाकी है। फिर जब ड्रामा चलता था तो फिर एक और रूटीन ये थी गेस्ट हाउस की, मैं दोस्तों को चेक करता चलो कि जो किस चलनी होती थी उसको देखने के लिए किसी घर में अरेंज होता था, किसी हम सारी टीम जाती थी आर्टिस्ट के घर में अरेंज होता था, कभी आप की तरफ जा रहे थे, कभी आप मेरी तरफ आ रहे होते थे, और तो सबसे ज्यादा हम खालिद हफीज साहब की तरफ गए थे क्योंकि उनका पिज्जा वीजा भी हम खाते थे उन्होंने पता ही नहीं लगा उनका पजीरिया होता था और वहां से पिज्जे आते थे, फ्लाइंग डच एक डिश थी उनकी, वो बड़ी याद है, बड़े अच्छे दिन थे यादें। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि उससे पहले भी आपने बेताशा काम किया, आपने रेडियो पे किया, आपने थिएटर किया, आपने टेलीविजन पे किया, अब उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा काम किया गेस्ट हाउस के, ये पिछले 7-8 सालों 10 सालों में आपने बेताशा काम किया, पहले साल में 2 ड्रामे कर लिए, 3 कर लिए, कभी एक कर लिया, अब बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन पहचान आपकी गेस्ट हाउस ही है, गेस्ट हाउस, ये कैसी बात, गेस्ट हाउस और कलियाँ, कलियाँ तो आप पहले भी करते हैं, गेस्ट हाउस और कलियाँ पहचान है उसकी मेरी बिल्कुल, और ज़ाहिरा फारूक कैसर साहब लिखते थे और वो भी एक बड़ा उस्तादों में था, बड़ों का भी था छोटों का भी था बिल्कुल, उसमें स्टाइल भी था कॉमेडी, उसमें आप कितनी आवाज़ें निकालते थे, उसमें भी मेरे पास तो ज़्यादातर वो था बौंगा बखील का जो पपड़ था ना, वो कौन रज़क या है मेरे प्यारे अल्लाह मियां तेरा करम निराला है, उनके आँख में कीमती लेंस और मेरी आँख में जाला है, अरे वाह वाह
इस तरह के फारूक साहब आप सारे करते थे, माशाल्लाह की किताब भी छुपी थी मेरे प्यारे अल्लामे के नाम से। अच्छा, वाह वाह, मेरे प्यारे वो भी क्या हमें याद है हमारे बचपन में। और मैं अपने स्कूल में बज़्मे अदब में कलियां की कॉपी किया करता था। मैं दो करेक्टर बना के अपने साथ एक लड़का खड़ा करके तो मैं हैगा बना करता था। अच्छा अच्छा, हाँ जी बिल्कुल मौजूद है का, जैसे दूध में पानी है का। हाय हाय, तो एक लड़का अंकल सरगम बन के मुझसे वो करता था, वही सेम हम उठा लिया करते थे। तो लेकिन पहचान आपकी यही दो ड्रामे, गेस्ट हाउस, बिल्कुल बेशक गेस्ट हाउस, क्योंकि गेस्ट हाउस खालिद साहब से बात हुई, वो भी कह रहे हैं कि मुझे अभी तक, मैंने पहले भी बहुत काम किया, बाद में भी किया, बाद में थोड़ा किया, पहले ज़्यादा किया, लेकिन मुझे अभी तक लोग गेस्ट हाउस का शमीम ही कहते हैं। बेशक बेशक, वही कहते हैं, बिल्कुल उनका नाम पक्का हुआ होगा। गेस्ट हाउस से मुझे एक वाक्या याद आ रहा है, मैं वो बयान करना चाहूँगा कि जब ये तय हुआ कि ये गेस्ट हाउस यहाँ से होगा तो सब कास्ट वैसा हो गई। मुझे भी फ़ोन आया टी वी से कैसर फारूक साहब का कि आइए, पहला एपिसोड उन्होंने किया था, आइए जी ड्रामा करना है। तो मैं चला गया अपने टाइम। एक फारूक कैसर साहब हैं जो कलियां वाले, एक कैसर फारूक साहब हमारे टीवी के डायरेक्टर हुआ करते थे, आजकल ऑस्ट्रेलिया में, शायद अमेरिका में, नहीं जियो में नहीं थे, पिछले दिनों चले गए मुल्क से बाहर है, यहाँ से मुल्क से बाहर चले गए। चलें जी, तो वो मैं जब कमरे पर पहुँचा तो कमरा खाली, मैं कह लोग तो है नहीं यहाँ पर, कोई भी नहीं है, लेकिन मैं जाके बैठ गया, वेट करने लगा तो टेबल के ऊपर स्क्रिप्ट पड़ा हुआ था गेस्ट हाउस का। अच्छा, तो मैंने ऐसे ही ज़रा, क्योंकि उस वक्त बड़ा काम होने वाला था और एक नया नया आर्टिस्ट और इस्लामाबाद से काम कम था, उन दिनों बड़ा शोर मचा था, तो मैं कहा मैं देखूं ज़रा जाके कि क्या है उसमें, करेक्टर वैक्टर है ऊपर नाम लिखे हुए थे करेक्टर के भी और आगे जो किन्होंने करने थे, तो वेटर के आगे अंजुम अभी भी लिखा हुआ था। अच्छा, जो तारिक मलिक साहब ने, तारिक मलिक साहब अंजुम हबीबी लिखा हुआ था, उससे जरा ही पहले मेरा संचूर चल रहा था इकबाल अंसारी का, बिल्कुल उसमें भी मैं वेटर का ही रोल कर रहा था, वो सीरियल चल रहा था। अच्छा, पता नहीं मेरे क्या देन, मैंने समझा कि मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, मैं ये हूँ मैं, तो मैंने कहा नहीं मैंने नहीं ये करना वेटर, या कि वेटर की मोरी लग जाएगी मेरे ऊपर। तो मैंने वो प्रोड्यूसर साहब को देखने की कोशिश की कि कहाँ पे हैं, पता चला वो ओबी में बैठे हैं, कोई एडिटिंग कर रहे हैं छोटी सी। मैं सीधा ओबी में नहीं चला गया जी, मैं ओबी में पहुँच गया, मैंने कहा सर मैं ये वेटर का रोल नहीं करना। अंजुम भाई बैठे तो सही यार, चल के कमरे में बैठो, करते हैं बात तुमसे। मैं कह रही जी मैंने ये वाला वेटर रोल नहीं करना। तो देखिए किस्मत कैसी थी तारिक मलिक साहब की, उन्होंने बहुत अच्छा हमको लिख करेक्टर बना और बहुत पॉपुलर हुआ। मैं समझता हूँ कि उन्हीं के नसीब में था, और मैं होता तो पता नहीं कैसा करता। नहीं आप ही अच्छा करते, लेकिन मेरे लिए ये अच्छा हुआ कि मुझे मुख्तलिफ ड्रामे करने का मौका मिला। 30 से 35 गेटअप किए, गेटअप किए और हर दफ़ा आवाज़ चेंज करते थे आपके, कभी दाढ़ी लगनी, कभी बड़े बड़े बाल लगने, एक में आपकी आंख पे इतनी बड़ी आंख खराब बनाई हुई थी। वो तो आपको वैसे भी याद होना चाहिए, एक जादूगर का रोल था वो, जादूगर जिसमें मैं रैम्बो को बकरी बना देता। बिल्कुल बिल्कुल, और बकरी हमने बनाई आपको याद होगा जिन्होंने देखा, तो उस बकरे को फिर रैम्बो के वो कपड़े पहनाए और उसकी पट्टी भी बांध दी हमने। आए आए आए, क्या टाइम था, ये रैम्बो आ गया जी जादू से। और एक ड्राम आपको याद हो गया, एक एपिसोड ईद के दिनों में आ गया, तो हम मार्केट से बकरा खरीदने गए शूटिंग में, शूटिंग में हमने बकरा खरीदा और जो बकरा हमने फाइनल किया वो उसे ले आए, और डिक्की में रैम्बो के साथ वो बकरा लेके डिक्की में बैठा हुआ है, वो शूटिंग हुई और 10 दिन तक उस बकरे की भू मेरे अंदर से नहीं गई। इतना वो बकरा बड़े बालों वाला, और वो उसको क्या कहते हैं पता नहीं, कौन सा पहाड़ी बकरा था, ओए होए होए हो उसकी स्मेल से। एक में वो सांपों का था, बिल्कुल सांप, और सांप छोड़ते हैं उनके पास भी बैठ के सारी शूटिंग करना, जिसमें मैं सांप को हाथ नहीं टच कर रहा था, मैंने कहा जी मैंने नहीं करना, मैं चीखे मार के बाहर चला जाता था। बिल्कुल, और इत्तेफाक ये हुआ, मुझे शाकिर साहब बड़ा डांटते थे, मैं देखा का पुत्र तू फिल्म आज अगर सांप पड़े ना, मुझे तीसरी फिल्म नागन स्पेरा मिल गई। तो मैंने कहा मर गया मैं, मैंने कहा अब शाकिर साहब ने मुझे नहीं छोड़ना, क्योंकि मैंने बड़ा तंग किया था उन्हें वो सांपों वाले एपिसोड में, बड़ा तंग किया था मैं, मुझे क्या पकड़ना था लेकिन मैंने नहीं पकड़ा, शायद आखिर में किसी तरह मैंने ज़रूर किया था, लेकिन जब फिल्म की सांपों वाली तो उसमें तो मैं सपेरा था, उसमें तो मैंने सांप ही सांप पकड़ने थे, लेकिन खैर उसमें भी कोई बड़ी लंबी कहानी है। अच्छा, तो आजकल का काम और उस वक्त के काम में बड़ा फ़र्क है। आजकल का काम पहले की नस्बत शायद तो ज़्यादा देखा जाता है, कोई ट्रेंड चल गया है कोई मुख्तलिफ प्राइवेट चैनल पे, जैसे भी पिछले दिनों में अहद वफा चल रहा था एक, अच्छा, और ISPR का सीरियल था, उसने तो झंडे गाड़ दिए कामयाबी के। अच्छा, माशाल्लाह बहुत,
और जनरल गफूर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल गफूर साहब, उनका पर्सनल पे मेरे पे मैसेज भी मुझे आया, उन्होंने अच्छा माशाल्लाह कि आपने हमारे साथ एहद फॉर्म में काम किया और आपका करेक्टर बहुत पॉपुलर हुआ और आपने हमें बहुत पसंद आया। तो पब्लिक जो है ना, इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है वो अहद वफाक से चल रहा है, लोग मुझे पहचानते हैं अब इस वक्त, माशाल्लाह वेरी गुड। तो उसमें भी एक दो कोई ऐसे सीन फिल्माए गए थे जो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वायरल हुए, लेकिन अस बात यही आ गई कि अगर मुकाबला किया जाए तो पहला दौर बहुत अच्छा, पहला काम बहुत अच्छा था, पहला दौर बहुत अच्छा। कोई अपना नए लड़के और लड़कियों में आपको देखते हैं जज्बा जो हम लोगों में होता था, छलांगे मार रहे हैं, अंगूठे तोड़वा लिए, गिट्टे निकलवा लिए, कि हर सीन यहाँ से छलांग मार दिए तो हम कहते थे हम सचमुच मारेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे करते थे। तो अब लड़कों में कुछ नजर आता याद है, मैं अभी बताता हूँ आपको। हाँ। मुझे याद है पिया गराय में गजफर मोहि साहब ने किया था, तो उसमें मुझे वो पागल दिखाया हुआ था, मेरी बीवी छोड़ के चली जाती है तो वो मैं जंगलों में पहाड़ों में ऊपर से लुढ़कता भी हूँ बकायदा उसके ऊपर से पहाड़ी पर से, फिर वो 80 फुट से ज़्यादा गहरा का कुआं था तो उसमें जान के आवाज़ा देता हूँ गजाला गजाला, तो वो उसका एक ऊपर मंडेर पर पत्थर पड़ा था वो स्लिप हुआ तो वो सीधा धड़ा मंदर, मैं भी साथ ही उसके कुएं में तो हाँ नहीं गया नहीं मैं कुएं में, लेकिन वो बच गया, पकड़ा गया तो जनता बखारी साहब का लोग अभी भी और मार लगा जो है तो वो आर्टिस्ट जब कर रहा होता है परफॉर्मेंस दे रहा होता है तो फिर वो जाहिर है उसका काफ़ी कुछ और होता है। तो अब ऐसे लड़के लड़कियाँ आपको नज़र आते हैं? लड़के लड़कियाँ मैं इत्तेफाक से एक आजकल वो जो आती है ना ड्रामों में लड़कियाँ टिकटॉक जो कर रही होती हैं, उनकी कई चैनल आगे पीछे मुलाकात होती है, तो उनके कहने पर मैंने टिकटॉक देखना शुरू किया। अच्छा, टिकटॉक में इतना टैलेंट है कि आप सोच इस कदर परफेक्ट कर रहे होते हैं लोग, बहुत एक्सप्रेशन है उनके और बहुत एक्सप्रेशन लड़कियों में भी लड़कों में भी। हाँ। और मैं समझता हूँ कि हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो टीवी स्टेशन के बाहर खड़े हैं या प्राइवेट चैनल्स के बाहर खड़े हैं जो इसके अंदर जाना चाहते हैं और वो नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं, अब क्यों नहीं जा रहे, अब तो बहुत आसान है। फिर भी मेरा ख्याल है कि अभी मोनोटोनस जो है ना वो हुआ है, वो अभी भी है। अभी देखें ना टीवी का एक कलर हो गया है। हाँ। अब जो भी आप ड्रामा लगा ले आप उसको जल्दी से जज नहीं कर सकते कि ये कौन सा ड्रामा चल रहा है, आपको लगता है ये वही है जो मैंने अभी पीछे जो अभी देखा है। एक कलर है स्क्रीन का, उससे पहले आपको याद होगा हमारे ज़माने में एक दिन होता था पिशावर के लिए, मुख्तर से एक लाहौर के लिए, कराची के लिए, कोयटा के लिए, आपको सबके वैरायटी मिलती थी, मुख्तलिफ ड्रामे मिलते थे और हमें पता चलता था कि हम इस वफाक में इस पाकिस्तान में रह रहे हैं जिसके लाहौर के ग्रीन कलर है, पिशावर का ब्राउन कलर है, कोयटा के पहाड़ों का कलर जी है, वहाँ के बोलने वाले लोग इस तरह बोलते हैं, हम पास हो गए, हम जा गए, उधर हो गए, उनकी आवाज़ उनकी उर्दू से पता चलता था कि हम एक पाकिस्तान एक नए अच्छे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन अब भी नहीं है ऐसा, अब वही गेटअप में वही उसी कपड़ों में लड़की दूसरे प्ले में कर रही होती है, कितने को कपड़े बना ले, सारे के सारे चैनल पे वही लड़कियां वही मेकअप आर्टिस्ट, तो दूसरे लोगों को मौके नहीं मिल रहे, इस कदर तेज़ी से काम हो रहा है, कोई नए आदमी को सिखाना या एंटर करना एक मुश्किल काम, मुश्किल हो गया, एक मुश्किल काम। लेकिन पीछे आपको चाहिए तो होता है ना मटेरियल, सॉफ्टवेयर पीछे तैयार तो होना चाहिए ना, अब इन्होंने आगे भी जाना है, उम्र बढ़नी है तो फिर क्या होगा। बिल्कुल जाहिर है, बहुत आर्टिस्ट जो है ना वो अभी रह रहे हैं, उनको आना चाहिए आगे। अच्छा, आगे क्या प्लान्स हैं, अभी कुछ कितना काम करना है? कोई प्लान शादी का तो नहीं है, है? बच्चों से फारुक हो गए, बच्चों से फारुक, बच्चों की करवा दी है, बच्चों की शादी की बात कर रहे थे। जी बस बच्चों की शादी की बात नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, दोनों बेटों की शादी होगी? दो बेटे और एक बेटी, माशाल्लाह सबकी शादी, दोनों से फारुक हो गए बिल्कुल। अब अपनी सोच रहे हैं, मेरा मतलब है कि अब आगे क्या सोच रहे हैं अपने, ये तो ना करें यारी दोस्त अपनी जगह पर, लेकिन इस तरह के भेजना तो माशाल्लाह बच्चे अपनी खुश हैं सब जी, शुक्र अल्लाह का, जाहिर है उस वक्त तो छोटे बच्चे थे, बेटी ने मरियम ने तो काम भी गेस्ट हाउस में भी किया था, छोटी सी थी, इतनी सी थी उस वक्त, पाँच छः साल की थी। जी बिल्कुल, कासिम भी करता रहा एज ए चाइल्ड स्टार बचपन में, शाकिर साहब के खाके बाके जो होते थे। जी जी, और छोटा जो है मुस्लिम अभी भी, वो आजकल माशाल्लाह म्यूज़िक पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। ओ, और बस वो कुदरती तौर पर निकला है उसको म्यूज़िक की तरफ, क्योंकि हम भी एक फ़नकार के घर पैदा हुए थे, जाहिर है जब फ़नकार होता है वो पैदाइशी फ़नकार होता है। ओ, तो मेरे घर अगर तीन बच्चे हैं तो उनमें से एक ही निकलता है, शायद तीनों ना निकलते, तो वो छोटा जो है उसको म्यूज़िक के साथ लगाओ और बहुत अच्छा काम कर रहा है एज ए मुच्छी हबीबी के नाम से। मुच्छी हबीबी का नाम से, बड़ा अच्छा नाम है।
मुस्लिम से, नाम उसका मुस्लिम है अच्छी, क्योंकि लोग पूछता जी तेरा ना के कहना मुस्लिम, कहते मुस्लिम तो हो ना के ना तो अभी काम उसी तेजी से हो रहा है या आजकल कम है कोई? मेरा ख्याल है काम हमारा मेरे लेवल तक तो हो रहा है, मुझे इतने फोन आ जाते हैं कि मैं कई जगह पर इनकार करना पड़ जाता है कि मसरूफियत होती है बहुत, टाइम नहीं होता, और उम्र कहती है, सेहत कहती है कि अब थोड़ा थोड़ा हटा जाए पीछे और खिदमत खलक की तरफ आया जाए। वो क्या शुरू किया? और खिदमत ये है कि हमने पाकिस्तान आर्टिस्ट इक्विटी के नाम से एक फिर फॉरम बनाया। ये तो पहले कई दफ़ा बने, वो अपने वो पहले बने, लेकिन 70 साल से हमेशा सुना है कि कुछ भी नहीं हुआ। अब ये तय है 2.5 वाली बात है, ये आखिरी बार है, इससे बाद नहीं कुछ नहीं बनेगा, ना कोई बनाने वाला है ना कोई आगे आने वाले हैं। हमारे में सबसे बड़े बड़े लोग हैं, पहले बड़े लोग बड़े आर्टिस्ट ये किया करते थे, अभी भी करते हैं कुछ लोग, मैं अपने नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, वो ऊपर ऊपर से अपने पैसे निकाल के आर्टिस्ट को छोड़ देते हैं बीच में, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब छोटे आर्टिस्टों के लिए होगा जब कुछ होगा, और इंशाल्लाह कर रहे हैं, और मैं बल्कि ऑनर आपसे कहूँगा कि आप ही हमारे मेंबर बने और हमें खिदमत का मौका। नहीं नहीं, ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं, मैं आपके साथ हूँ, जब काम इकट्ठे करते रहे हैं तो आगे भी। लाहौर से शुजात हाशमी साहब हमारे साथ हैं, औरंगजेब लगारी साहब हैं हमारे साथ, और फिर इनाम खान हैं लाहौर से, नजीब उल अंजम साहब हैं, बुशरा साहब से, बुशरा आपा जिनकी अभी देखे ना, ये अभी मुझे परसों तरसों आई हुई थी, तो ये इन्होंने कुछ 3 किताबें लिखी हैं, ये मुझे अभी मेरे इसी कमरे में मुझे देखकर उठ गई हैं किताबें। अच्छा माशाल्लाह, तो बड़े बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं आजकल, हम बैठते हैं गपशप लगाते हैं, पहले हमारी डीजी इस्लामाबाद रेडियो से मुलाकात थी, फिर हमारे अपना सेक्रेटरी साहब से मुलाकात थी, और इसी तरह हम इलादा रखने के ईद के फौरन बाद इमरान खान साहब तक बात करेंगे, और आर्टिस्टों की फलाह बहबूद के लिए काम करने का, और खिदमत खलक का प्रोग्राम है जो ज़रूरतमंद है, असल जो आर्टिस्ट असल कभी कुछ नहीं पहुँचा, बल्कि ये जो 4 महीने गुजरे हैं ना, इसमें तो बड़े बुरे हालात हैं, बेशक बेशक बड़े बुरे, बहुत बुरे हालात हैं, कई पैसे बने, ग्रुप बने इस दौर में लोगों के लिए, हमने भी बनाए, हमने भी लोगों में पैसे भी तकसीम किए, और क्या कहते हैं वो जो राशन होता था, राशन भी दिए लोगों को घरों पे, यहीं पे आके लोग लेके जाते रहे, बिल्कुल पर्दे में ताकि मालूम ना हो, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो बस अब कुछ तबीयत ऐसी हुई है कि दिल करता है कि खिदमत खलक की जाए, और सब कुछ छोड़ दे, फारग हो गया ना सब चीज़ों से, अभी भी अल्लाह नहीं करना, अभी भी खिदमत खलक नहीं करी तो फिर क्या फ़ायदा ज़िंदगी का। माशाल्लाह। अच्छा, आपने रेडियो किया, थिएटर किया, टीवी किया, फिल्म नहीं की? फिल्म जो वो वाली आप वाली फिल्म है वो नहीं की, लेकिन जो आप वाली क्या मतलब? जो आप वाली ये कि जो सिनेमास में पहले चला करती थी, और बशीरा और लटम पटम जो भी जो फिल्म थी जो मतलब फिल्म चलो जो फिल्म थी आप टीवी पे बन रही है ना, आप टीवी की जैसे लोड वेडिंग बनी थी, मैं लोड वेडिंग में था, बिल्कुल मैं विशात और के साथ उसमें मैंने देखा है, सीन था। फिर हमारी एक बनी थी हीर मांझा बनी थी, वो मैंने की है। अच्छा, फिर एक गुम बनी थी, वो मैंने की है। क्या फ़र्क लगा आपको टीवी के ड्रामे में और फिल्म में? नहीं, फिल्म का एक अपना ट्रेंड होता है, सॉन्ग्स होते हैं, गाने होते हैं, एक थीम होती है, और आपको शूटिंग में कुछ चेंज नज़र आया? शूटिंग ज़ाहिर अब जो बड़ा प्रोजेक्ट वाले लोग हैं, पर जो बड़े सिलसिले वाले लोग हैं उन्होंने अच्छे अच्छे उनके कैमरे प्रोजेक्शन और सब चीज़ें बड़ी बड़ा वो सब कुछ सामान ये वो कैमरे में टीवी में तो नहीं होता, बनाने वाले तो आजकल मोबाइल पर भी वीडियो बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, लेकिन फिल्म मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में एक दफ़ा फिर ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, और फिर आपको फिर काम करना पड़ेगा नागन में, नागन बन गया नागन सफेरा। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आया? कोई मीडियम आपने छोड़ा नहीं, रेडियो? सच्ची बात, स्टेज, टीवी, सच्ची बात ये है कि जब रेडियो से आवाज़ आती है ना, तो बहुत मज़ा आता है। अभी भी आपको कॉल आती है? रेडियो, हाँ रेडियो कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। आप करते हैं? अभी हम कर रहे हैं एक ताहिर सिद्दीकी साहब, उसे लिखते हैं। अच्छा हाँ, यस, 205 एपिसोड उसके हो चुके हैं अभी भी, अभी वो चल रहे हैं। तो लोग खत आते हैं उसी तरह जैसे पहले आते थे, अब क्या? अब ये मैसेज आते हैं और यूट्यूब हो गई है, लटम पटम देखा जाता है, सुना जाता है, अभी बिल्कुल सुना जाता है, रेडियो सुनने वाले सुनते हैं, लेकिन हमें बता रहा था कि हमें रेडियो पे मजा आता है। आप ड्रामा कर रहे होते हैं? ड्रामा कर रहे होते हैं, बैठ के ड्रामा करते हैं रेडियो का ड्रामा? क्योंकि मैंने रेडियो पे मैंने एक दिन काम किया है, लेकिन वो कुछ बोलना था मुझे, ड्रामा नहीं मैंने किया, एक दिन मैंने किया था शुरू। अगर आप थर्सडे तक हैं तो आप हमारे इस फ्यूचर में काम करें, मैं आपको। तो क्या क्या मतलब बैठ के एक्टिंग कर रहे होते हैं या खड़े हो? नहीं नहीं, इसी तरह माइक लगा होता है उसको, खड़े हो जाते हैं उसके आमने सामने साइडों पे, और अपने अपने जुमले ड्रामेटिक बोल रहे होते हैं।
कोई बाप बना होता है कोई माँ बनी होती है, तो उसी वक्त पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक साथ साथ म्यूजिक चलाते नहीं, उस वक्त वो बाद में डालते हैं, वो बाद में डालते हैं, बाद में डालते हैं, बाजू का फंबलिंग हो जाती है तो उसको रिपीट करके दोबारा बोलना पड़ता है। अच्छा, तो फिर वो जब एडिटिंग हो जाती है फिर उसके मुताबिक म्यूजिक फिर जो भी उसके सॉफ्टवेयर से। कुछ लाइव भी तो हुआ करते थे पहले हमारे बचपन में, हमने सुना था जी जी बिल्कुल, गजाला आपा आप अफजाल लतीफ़ी साहब के जी रेडियो जा रहे हैं, रेडियो हमें बड़ी हसरत होती थी यार ये टीवी पे भी आते हैं ये रेडियो भी जाते हैं हमें इतना काम कब मिलेगा, तो बड़ा वो हम आपको देखते थे कि यार अब ये टीवी से उठ के रेडियो जा रहे हैं, या हम बैठे इंतज़ार कर रहे हैं तो पता चला जी रेडियो से आए हैं, वो शो जाना था, शो लाइव जाना था, कोई ड्रामे थे बरकतुल्ला साहब, और मुझे बरकतुल्ला साहब ही लेके गए थे पहली दफ़ा, कैसे लोग थे, और बरकतुल्ला साहब ने ही मुझे फिल्म में पहली दफ़ा भेजा था कि जाके एक सीन करके आओ, मैंने कहा जी एक सीन तो मैंने नहीं करना, मैं तो हीरो आऊँगा, यार तुम जाओ ना वहाँ मटेरियल बचाना होता है, तुम याद करके बोल लोगे, मुझे पता है कोई और इस वक्त ही वो बोलेगा नहीं, मटेरियल बचाना, ये कसम से उन्होंने, और मैं गया तो आगे इकबाल कश्मीरी साहब इतना बड़ा मुझे पर्चा दे दिया कि वो वन गो में मुझे याद करना था पूरा एक बड़ा पेपर जो इतना बड़ा लिखा हुआ, और वन टेक में ओके करके आ गया। इकबाल कश्मीरी साहब ने मेरा नंबर रख लिया कि उसका नंबर लो, उस वक्त मोबाइल तो नहीं थे, मैंने घर का नंबर दिया, इकबाल साहब दूसरी दफ़ा शूटिंग करने आए तो मेरे लिए तीन सीन रख के लाए, वाह वाह कि यार इससे मैंने, और उसके बाद मुझे गेस्ट हाउस मिल गया तो फिर डायरेक्ट वो हीरो ही हुआ, हीरो वाली बात हो गई, अल्लाह का करम। तो ये है रेडियो का एक अपना मजा, वो आप कहते हो कि रेडियो में मजा आता है उसमें, जब स्क्रिप्ट आते पकड़ते हैं ना, रेडियो के चेक तो इतना बड़ा ना उस वक्त था ना आजकल है, तो बस सारी तरफ मार पड़ी हुई है, सब बजट किसी महकमे के पास नहीं है, किसी के पास नहीं, जिसके पास चले जाते हैं। इस सलाद से पहले तो ड्रामे तो ऊपर नीचे चल रहे हैं, अब तो ड्रामे भी करोड़ों में बनते हैं, तो उस वक्त भी पैसों का मसला था नहीं, पहले मसला पहले नहीं। पहले बता तो रहा हूँ कि टीवी से हम कलियां का रिकॉर्डिंग का नहीं, नहीं ये जो पिछले साल गुजरे हैं पाँच सात साल आठ साल नहीं चेक ठीक ठीक मिल जाता प्राइवेट, अब आठ आठ महीने साल साल गुजर जाता है, बजट नहीं है, बजट नहीं है, पैसे आएंगे तो मिलेंगे, और तो बजट नहीं है तो फिर अगला ड्रामा कैसे बना लेते हैं, तो बस वो इतना पुराने लोग हम हो गए हैं कि अगर टीवी वाला बुलाता है एक महकमा बुलाता है तो वो शर्मा बशर्मी भी तो जाना पड़ता है, उनके साथ काम करते हुए उम्र हो गई है कि आप कर लें फिर मिल ही जाएंगे पैसे, ऐसी कौन सी बात है, मिल जाते तो बाज़ का रिक्वेस्ट पे भी जाना पड़ता है और मिल जाते हैं, बस हो जाता है काम, नहीं ज़ाहिर है काम पैसे मिलते हैं तो बंदा दोबारा काम पे जाता है ना, वरना दोबारा वो क्यों करे एक ही दफ़ा, या यूँ कह लीजिए हमें रेडियो जाना हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी आती तभी है जब ऐसे महकमे में जाते हैं, आर्टिस्टों से मिलते हैं, प्रोग्राम करते हैं तो एनर्जी भी आती रहती है। तो रेडियो अभी भी रेडियो पाकिस्तान करते हैं या FM भी करते हैं? नहीं मैं रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से और इस्लामाबाद से, और सिर्फ फीचर ड्रामे करता हूँ, पहले कभी किसी ज़माने में वीकली खबरें भी पढ़ी और जो रात के टाइम फरमाइशी प्रोग्राम हुआ करते थे 11 से 12 बजे की फरमाइश, वो भी क्या करता था आपको शायद याद होगा, को मैं डायरी पे नाम लिख के ले जाया करता था, सबके नाम बोल रात कर साथ गाने लगाया करता था, तो टाइम टाइम की बात है, अच्छा दौर था बारह, मज़ेदार बहुत अच्छा। गेस्ट हाउस का जाते जाते कोई एक यादगार वाक्या जैसे जो आपको भूलता ही नहीं कभी? बस यही एक आप तो वो पॉपुलर हुआ था बात बाबा मुर्गी, शायद क्या था वो बाबा मुर्गी मुर्गी भी थी उसमें, यस यस याद आया है ना, वो उसके आ जाके क्या कहता है कि कंटिन्यूटी थी, मैं बड़ी अच्छी कंटिन्यूटी, जाने किधर है, हाँ जाना किधर है, जाना किधर है, जाने की बाबा जी ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर, दूसरा दूसरा दरवाजा आपका, दूसरा बोले तुमने, हाँ जी दूसरा, उधर जाना किधर है बाबा जी, ये सीढ़ियाँ चढ़ के आप उल्टे हाथ पे मुड़ेंगे ना, दूसरा दरवाजा आपका है, बाहर लिखा है 201। अच्छा 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 ठीक है, पुत्र मैं जाता हूँ, जाने किधर है, ओया अल्लाह ये इनका करेक्टर था, अच्छा मैं चला जाता हूँ जाना किधर है, बड़े बड़े अच्छे आपने किए करेक्टर, बस और अच्छे दिन थे बाल होता है ना, बहुत अच्छे दिन थे। अच्छा ये बताइए कि अभी चैनल जाना होता है PTV इस्लामाबाद? कम कम, क्योंकि काम नहीं हो रहा, काम जब काम होता है तो जाते हैं, पिछले दिनों में दूध का दुला एक 24 किस्तों का सीरियल बनना शुरू हुआ था और जाते थे, लेकिन वही बस महकमाना बेजाब्त किया और
वही बंद हो गया खत्म सन्नाटे दुख नहीं होता कि क्या वो स्टेशन हुआ करते थे कि आपको अंदर अंदर जाने के लिए आपको बाहर वेटिंग करनी पड़ती थी, वेटिंग रूम में बैठते थे, प्रोड्यूसर की कॉल आती थी कि हाँ जी इसका काम है इसको भेजो, वरना कोई आ नहीं सकता था। अब ये है कि दरवाजे खुले हैं और कोई जाने को तैयार नहीं, जाने को तैयार नहीं है। ये लोगों के पैसे भी बहुत फंसे हुए हैं ना, बताया ना, अब हमारे साथ ही इनाम खान साहब हैं या इस तरह के टीवी के बहुत सारे लोग हैं, पीटीवी में भी पैसे 4-4 लाख रुपये फंसा हुआ है आर्टिस्टों का, पेमेंट ही नहीं हो रही। तो पीटीवी तो बगैर काम के वो बिल में पैसे चले जाते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? नहीं, हालांकि हमें काम मिलता है तो हमें टैक्स कट के पैसे मिलते हैं, 20% टैक्स, पहले टैक्स काट लेते हैं फिर हमें मिलता है। और फिर लोग कहते हैं जी आप टैक्स पे करते हैं, हम लोग टैक्स भी पे करते हैं लेकिन हमारे पैसे फंसे हुए हैं। ये मैं आपके इस मीटिंग के हवाले से मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा कि आर्टिस्टों को लिए कम से कम जो है ना उनके पैसे रिलीज करें, उन्हें दें पैसे वापस, क्यों नहीं दे रहे हैं? एक्टर ने तो काम करके घर जाके एक मजदूर होता है जी एक्टर, और उसने वो पैसे मिलेंगे तो उसके घर का काम चलेगा, क्योंकि ये 24 घंटे का काम है, इसमें कोई एक्टर बिजनेस नहीं करता। वो बहुत कम होते हैं जो बड़े बड़े जिनके पास 4 पैसे खानदानी अगर पहले के पड़े हुए हैं या जोड़ लिए हैं कोई बिजनेस कर लेंगे। अभी भी बहुत सारे लोग पूछते हैं जब आना चाह रहे हो, उनको ये कहते हैं बेटा अभी रहने दें कुछ कर लें, सबसे पहले तो एजुकेशन कंप्लीट करें, क्योंकि हम इस एज पर पहुँचे हैं कि हमें महसूस होता है कि हमें मज़ीद अभी एजुकेशन हासिल करनी चाहिए थी। बिल्कुल, क्योंकि एजुकेशन करने से, पढ़ने से, पढ़ाने से लोगों को में बात करने की सलाहियत पैदा होती है, आदमी अच्छी गुफ्तगू कर सकता है। आप अभी तालीम मुकम्मल करें और फिर साथ साइड बिजनेस रखें, बल्कि साइड नहीं वही आपका बिजनेस होना चाहिए, इसे साइड इसे शौक के तौर पर दुनिया में पूरा इसे बिजनेस समझा जाता है, लेकिन यहाँ पे इसे साइड बिजनेस ही आप रखेंगे तो तभी आप करोड़ों लोगों में से चंद लोग ही निकलते हैं ना जो बड़े जो बनते हैं, इससे खा सकते हैं, वरना इस पे खर्च करना पड़ता है। जी बेशक, आपने शौक पूरा करना है। तो मुझे ये सुन के हैरानगी हुई है कि पीटीवी में भी एक्टरों के पैसे फंसे हुए हैं। बस वो आपको बताया ना, हालात ऐसे हो गए, ऐसे हालात हो गए, हर अदारा बैठा हुआ है और कोई इदारा आप खड़ा नहीं है। आपको तो माना याद होगा जिन दिनों में गेस्ट हाउस करते थे जी, तो उन दिनों ये पता लगा था कि पता नहीं 90 लाख ही था कि 90 लाख रुपया टीवी सालाना पीटीवी को कमा के देता है, कमाऊ पुत्र है जी जी, इतना पैसा बच जाता था कि वो दिया करते थे मुझे। और आप कहीं वो नीचे बैठा हुआ, मुझे याद है कि गेस्ट हाउस की एक एपिसोड में जो मैं बीमार हो गया था, तो अगले दिन उन्होंने जल्दी जल्दी नया एपिसोड लिखाया, तो हॉस्पिटल में आके मेरे 2 शॉट आपने लिए थे और फ्लैशबैक में मेरे शॉट चलते रहे शाकर साहब ने, रात रात ही बैठ के। और वो हमारे वो क्या थे, कासमी साहब राइटर जो थे, अगर अदीम हाशमी साहब शायर थे, बड़े शायर अदीम हाशमी साहब, उन्होंने रातों रात नया एपिसोड लिखा और उसकी शूटिंग आपने की और मेरे पास आके 2 सीन किए थे। और वो सुनने में ये आया था कि जी शाकर साहब कह रहे थे कि मोहम्मद निसार हुसैन साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे जिनकी पैदावार है हम सब भी, मैं स्पेशली, तो उन्होंने कहा था कि जी अगर ये नया एपिसोड नहीं चला तो पता नहीं 19 लाख के 20 लाख का नुकसान होगा, नया एपिसोड चलाना है पुराना नहीं चलाना। तो इतने पैसे पीटीवी कमा के देता था उस वक्त 1992 में, 19-20 लाख। अगर ये होता है आर्टिस्ट तो बड़ा एहसास होता है, एक्टर तो एहसास होता है, वो तो बेचारा वो तो नकली एक्टिंग करते हुए रो पड़ता है, जब आप उसके साथ ऐसा करोगे तो वो कितना रोएगा। बल्कि अभी मेरे कमेटी के सदर हैं हमारे शाहिद नज़ीर साहब, उन्होंने मुझे कहा एक वो बना दें क्लिप, क्योंकि अभी ये 100 पूरा साल होने लगा है कश्मीर में, वो कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है और वो अभी तक रिलीज़ नहीं हो पा रहे, कश्मीरी बेचारे शहीद हो रहे हैं, तो वो मैंने बनाया, आप यकीन जाने वो मेरी रोने वाली पोजिशन बन गई, मैं उनको समझ नहीं आती। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया, बहुत सारी यादें शेयर की, बहुत सारी तल्ख हकीकतें भी सुनने को मिली कि इतने अरसे के बाद भी एक्टर वहीं का वहीं खड़ा होता है, उसे अपने पैसे मांगने ही पड़ते हैं और रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, प्रॉब्लम बता के पैसे मांगने पड़ते हैं कि पाइन फीस देनी है बच्चे दी, बिजली का बिल कटिया गया तब एक्टर को पैसे मिलते हैं, टिड्डी पीड़ हो रही है जो पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता, और एक्टर का काम ख़त्म होता है उसके हाथ में लिफाफा पकड़ा दिया जाता है और हमारे यहाँ चक्कर लगवाए जाते हैं और बाद में दिए जाते हैं, लेकिन तनख्वाहें सबकी चली जाती हैं। और ये मत भूलें कि आर्टिस्ट ही काम आता है, आर्टिस्ट होते हैं तो शौकत खाना बनता है। बिल्कुल, आर्टिस्टों ने बनाया, बिल्कुल सही है, लेकिन अब आर्टिस्टों के साथ ही ज्यादती तो फिर कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। तो एक्टरों को बचाएं, एक्टरों को जिंदा रखें, उनके घरों को खुशहाल करें तो मुल्क खुशहाल हो जाएगा। बेशक बेशक।
वो एक्टर ही रोने लग पड़ेंगे हंसाने वाले, तो फिर हंसेगा कौन? सही है, सही तो आर्टिस्ट थे ना जी, मलका तरन, मुनूर जहां जी, दिलीप कुमार, नुसरत फतेह, बच्चन साहब, नुसरत फतेह, ये सब लोग मिलके आए, फारूक कैसर साहब, हम भी सारोनी शोज किए, तब जाके ये बिल्ड हुआ एक नया हॉस्पिटल जिसको कहते हैं शौकत खाना। बिल्कुल, नया पाकिस्तान बनाने के लिए इन आर्टिस्टों की जरूरत है। हमने भी गेस्ट हाउस के दिनों में बिल्कुल चंदे इकट्ठे किए हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में जाके स्पेशल, हमें याद है बड़ी अच्छी। ये चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए, आर्टिस्ट को नहीं भूलना चाहिए। तो इंशाल्लाह जी किसी तक बात पहुंचेगी तो एक्टर को नहीं भूलेगी जी, ये गवर्नमेंट तो नहीं, इसको तो नहीं भूलना चाहिए क्योंकि खान साहब का एक्टरों के साथ बहुत बड़ा एक साथ रहा है, सब एक्टरों ने खान साहब का साथ दिया है, अब टाइम है कि खान साहब एक्टरों का साथ दें। बेशक, बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया अंजुम भाई, और हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया, हमें हमेशा इनको ऐसे ही बुलाते थे, हबीबी हैया हैया, ये पास आके कहते थे कट मेरा रुपया, तो अभी तक कट मेरा रुपया कितने फंसे हुए हैं, बहुत फंसे हुए, बहुत शुक्रिया जी। और गेस्ट इन हाउस में आज मेरे मेहमान थे जी, मेरे सीनियर, मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई अंजुम हबीबी साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी। और मैं, ये मेरे घर में नहीं, मैं इनके घर में हूँ, वैसे मेरे शो का नाम है गेस्ट इन हाउस, तो एक ही बात है, मेरा भी यही घर है, आप ही का घर है, मेरा ही घर है, यहीं से आप अमीर अब्बा की चादर लेकर चले गए तो वापस ही निकले, बारिश हो रही थी ना, बारिश हो रही थी, आपको याद है, मेरी अम्मा ने चादर दी आपको, तो मुझे दी थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे जी, माँ जी को भी, क्या यादगार दिन थे जी, आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, और आप सबका बहुत शुक्रिया जी, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया, और शो के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रब रब।